आराध्य देव के चरणों में नमन, आचार्य चरणों में नमन, पर्युषण पर्व महापर्व की आराधना में उपस्थित यही जैन संघ दुबई के श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, उपस्थित बंधुओं और बहनों, पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण और आज संध्याकालीन चर्चा के समय आगम ग्रंथों में प्राप्त विशुद्धि के प्रकार की चर्चा करेंगे, क्योंकि महावीर कहते हैं सोई उज्जूय भूयश्च धम्मो शुद्धस्स चित्तः। हम सभी धर्म की आराधना कर रहे हैं, अध्यात्म की आराधना के लिए उपस्थित हैं। वह धर्म और अध्यात्म की आराधना की पात्रता के लिए अनिवार्य क्या शर्त है? भगवान महावीर तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं सोई उज्जूय भूयश्च, उसकी सबसे बड़ी पात्रता है ऋजुता, सरलता। और कैसी सरलता ऋजुता, ये शिशु की तरह, बच्चा जो है एकदम निश्चल होता है, उसमें कोई छल कपट प्रपंच नहीं होता है। ये तो हम जो जो बड़े होते जाते हैं ना, तब सारी होशियारियां आती जाती है ना। अध्यात्म के क्षेत्र में मूल्यवान तत्व है वो है ऋजुता, सरलता, निश्चलता। खानन सूत्र में चार प्रकार की ऋजुता का वर्णन मिलता है, कायावजया, भाषावजया, भावजया और अविषणवायणा जोय। सबसे पहले है काया की सरलता। प्रश्न उपस्थित हो सकता है, भला काया की सरलता क्या और वक्रता क्या? दो उदाहरण है हमारे सामने। अगर आपने कभी गाय माता को देखा हो, कभी अवसर आए तो देखना, उसकी आंख में झांकोगे यूं लगेगा सरलता टपक रही है। और दूसरे में कभी बिल्ली मौसी मिल जाए तो देखना, उसकी आंख में झांकना, वो हर समय ताक में रहती है कि चूहा कहीं नजर आ जाए। प्राणी प्राणी की अंग प्रत्यंग के अंदर भाव झलकता है। ये आंखें जो है ना, मैंने सुबह भी कहा था कि वक्ता तो अपने ढंग से बोलता है पर श्रोता की दोनों आंखें हर समय तुलती रहती है। मुनि जी ने यह शब्द क्यों कहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका अर्थ क्या है, किसको टारगेट करके कह रहे हैं? बोलना जाने कि नहीं जाने, तोलना हर कोई जानता। और आंखें जितना बोलती है ना, और चीज की जरूरत ही नहीं अगर कोई पढ़ना जाने तो। तो एक है गाय की आंख से टपकती हुई सरलता का भाव, और दूसरी ओर है बिल्ली मौसी की वक्रता। एक बिल्ली ने चूहे को ऑफर दी, कितनी वक्रता है, हालांकि शब्दों से लपेट करके बिल्ली कहती है चूहे से कि इस बिल का रे हुंदरा उस बिल में आ जा, लाख टका दूं रोकड़ा, बैठो बैठो का। बड़ी ऑफर दी है ना, कि केवल इस बिल से तू बस इस बिल तक आ जा, लाख टके एकदम कैश,
उधारी का काम ही नहीं है। पर मौसी की वक्रता से भांजा भी परिचित था, उसने कहा भू थोड़ी भाड़ो गणो, भू थोड़ी भाड़ो गणो, जबरी जोकम था, 100% लारे रहा को मौसी कौन खाए, तू पहले गटक कर जाएगी मुझे। तो अध्यात्म के क्षेत्र में कहा हुआ है सरलता ऋजुता। हम सुनते हैं जब छह आर्य का वर्णन करते हैं कि भगवान ऋषभ के समय में कितनी सरलता थी, कितनी ऋजुता थी, कालखंड के साथ वक्रता बढ़ती जाती है, कितने सरल संत गए भिक्षा के लिए, रास्ते में कोई नट का नृत्य चल रहा था, रुक गए, स्थान पर विलंब से पहुंचे तो पूछा कि इतना समय कहां लगा, तो सरल स्वभाव के संत थे, बोले वो रास्ते में एक नाटक हो रहा था, वहां 2 मिनट, बोले साधु को नाटक वाटक कहां देखना है, वो नट का नाटक नहीं देखना। फिर एक दिन लेट हो गए तो कहा आज कहां लेट हो गए, बोले नटनियों का नृत्य हो रहा था, बोले मनाई की थी, तो बोले वो तो नट के लिए मनाई की, ये तो एक रूपक की बात है। इतनी सरलता, इतनी ऋजुता, कथनी करनी की समानता, कोई छल कपट प्रपंच कुछ नहीं। और वीतराग चरित्र जो है ना, उसके लिए अनिवार्य शर्त है, जिसको वीतराग बनना हो, अगर भीतर में छल कपट प्रपंच है, वीतराग नहीं बन सकता, और कुछ बन सकता है। पर आज की दुनियादारी में होशियारियां ज्यादा चलती है, आज की चतुराई का यह अद्भुत नमूना है, आज की चतुराई का यह अद्भुत नमूना है, दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया जीवन व्यवहार में, आदमी बताता दिल्ली और पहुंचता पूना है। पर बंधु और बहनों, ये जितनी होशियारियां हैं वो सब इस दुनिया तक है, वहां पर जब तलपट मिलाया जाएगा, जब बैलेंस शीट मिलाई जाएगी ना, आड़े बाजा मिलाया जाएगा, तो वहां और कुछ नहीं, केवल और केवल सरलता, ऋजुता, निष्कपटता, इसके सिवा और कोई मापदंड नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं, काया की ऋजुता। उसके बाद कहा भाषा की ऋजुता, भाषा के अंदर भी है ना, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो, देखो सबने पढ़ रखा है। वाणी वाणी के अंदर आगम ग्रंथों में भी कहा सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, ऐसा सत्य भी न बोलो जो अप्रिय हो। बोलने का भी विवेक की जरूरत है, उत्तरायण आगम में इसलिए पूरा एक अध्ययन है, वक्र शुद्धि, 8वें अध्ययन का ही नाम है वक्र शुद्धि। भाषा की सरलता, भाषा भाषा में व्यक्ति आदमी किसी को अपना भी बना सकता है, ये अपने आप में एक वशीकरण मंत्र है। अब मैं आपसे पूछूं कि कोयल किसी को क्या देती है और कौआ क्या ले लेता है, और मुंडेर पे कोयल आके बैठे सुनने का मन करता है, और काबिलो आ जाए तो पत्थर मार के भगा देते हैं। एक कौआ नाराज हो गया, तेजी से जा रहा था, सामने कोयल मिल गई, कोयल ने भगनी बाबू से पूछा ना कि भैया ये सुबह सुबह कहां के लिए उड़ान भरी है, तुम्हें कहा कौन से क्राउन प्लाजा जाना है। उसने कहा नहीं, इस गांव में सब मेरा अपमान करते हैं, कंकर मार के भगा देते हैं, मैं तो ये गांव ही छोड़ के जा रहा। देखा तो कोयल के गले में एक हार पड़ा हुआ,
बोले दीदी ये गले में क्या डाल रखा है? बोले मैं तो इंद्रलोक में गई थी, वहां देवताओं की सभा में मैंने गाना सुनाया कि जैसे हमारे बकुल भाई और संजय जी बहन और सुनाते हैं ना अच्छे अच्छे भजन, लोग सब भाव विभोर हो जाते हैं, बड़ा आनंद आता है भक्ति संध्या में। तो कोयल ने कहा देवताओं ने खुश होके मुझे हार पहनाया। कौए ने देखा कि अपने भी गाड़ी उधर ही गैर में ले लेते हैं और इधर उधर क्यों जाए करके, पहुंच गया इंद्रलोक में और देवताओं की सभा में जाकर के कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी सिस्टर आई थी यहाँ पर। बोले जी हाँ बिल्कुल आई थी, सेम ऐसा ही रंग रूप था। देवता बड़े खुश हो गए कि उसका बहन इतना बढ़िया सुना के गई तो भाई का तो फिर कहना ही क्या है, हैं? क्यों बहन जी आप इतना बढ़िया सुनाती हो तो फिर संजय का बकुल भाई का कहना ही क्या है, वो सुन तो नहीं रहे ना कहीं। तो देवताओं ने कहा सुनाओ सुनाओ। और कौवे ने अपनी क्राउ क्राउ शुरू की, देवताओं ने कानों में अंगुली डाली, बोले धन्य है धरती माता जो इसको झेल रही है ना। अरे इसने कहा जी मैं थोड़ा जल्दबाजी में आ गया, अपनी ऑर्केस्ट्रा पार्टी साथ लेके नहीं आया हूँ, अगर वो लेके आता तो। बोले तुम्हारी फिर क्या ऑर्केस्ट्रा पार्टी है? अरे बोले बात मत करो, खर प्रखर ध्वनि है जिसकी, ऊंट घोष निराला है, कुत्ते की तारीफ करूं क्या, उसका सुर मतवाला है, खर प्रखर ध्वनि है जिसकी। खर यानी गदा, जब रहता है ना ऊंचा आकाश की तरफ देख करके, खर प्रखर ध्वनि है जिसकी और ऊंट घोष निराला है, ऊंट पे लादो तो भी अड़ाएगा और सामान उतारो तो भी अड़ाता है। खर प्रखर ध्वनि है जिसकी, ऊंट घोष निराला है, कुत्ते की तारीफ करूं क्या, उसका सुर मतवाला है। देवताओं ने कहा धन्य है ये आनंद जी कल्याण जी को, ये धरती माता ही झेल सकती। तो बंधुओं भाषा की वाणी का विवेक, भाषा का विवेक, भाषा की सरलता, भाषा की भी वक्रता होती है, होशियारी होती है। एक पंडित जी महाराज थे तो गांव में मांगने के लिए आए, ज्योतिष को जानते थे। एक घर की बहू रानी ने कुछ देते उन्हें दिया अपना सामान जो भी है आटा वगैरह, और जिज्ञासा भी प्रकट की, सुन रखा था कि पंडित जी महाराज जानता है। बोले पंडित जी महाराज संकोच करते हुए कि आप कुछ बता दो, प्रेडिक्शन कर दो, मुझे डॉक्टर ने ये डेट दे रखी है। तो पंडित जी होशियार थे, कहा देख बहन मेरी तो भविष्यवाणी एकदम सचोट होती है पत्थर की लकीर की तरह, मैं तो रिटर्न में रहता हूं और लिख करके पर्ची भी कि इसको ठीक से अपने पूजा घर में रख देना और जब रिजल्ट आ जाए मिला लेना और मेरी बात मिल जाए तो मुझे याद कर देना दान दक्षिणा के लिए। वो पूड़िया रख दी, परिणाम के बाद देखा तो उसमें लिखा हुआ है बेटो न बेटी। तो ये तो भूल भुला गए, पंडित जी कहां भूलते, पंडित जी पहुंच गए पता लगते ही, अरे बहन तुमने याद ही नहीं किया। अरे बोले पंडित जी महाराज मैं तो भूल गई। बोले वो पर्ची लाओ कहां है, पर्ची लाई तो उसमें लिखा बेटो न बेटी, ये देखो मैंने लिखा था बेटो न बेटी, और अगर बेटी हो जाती थी बेटो न बेटी, और अगर केस बिगड़ जाए तो बेटो न बेटी। बंधुओं ये जितनी भी वक्रताएं हैं, होशियारी है, चालाकी है, जिसको आप कुछ भी नाम दे दो इस दुनियादारी में, पर आध्यात्मिक के क्षेत्र में जो मूल्यवान तत्व है वो केवल और केवल मूल्यवान तत्व है कथनी करनी की समानता, सरलता, ऋजुता, पवित्रता। और इसीलिए भगवान महावीर ने जितनी व्याख्याएं की है ना, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्म आपको बताऊं, ये अलग बात है कि हम लोगों ने पंथ परंपराओं में बांध दिया, महावीर का दर्शन पंथ परंपरा का है नहीं। महावीर तो कहते हैं कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि श्वेतांबर की मुक्ति है कि दिगंबर की है कि है ना पीतांबर की है कि उसकी नहीं है, कुछ नहीं। जो कषाय से मुक्त है तो
मुक्ति है। और महावीर के अनुसार तो भले ही महावीर खुद ही क्यों ना है, अगर कसाय से मुक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं। 15 प्रकार के सिद्धत्व का वर्णन किया, तीर्थ सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, ये भी नहीं कहा उन्होंने कि केवल जो है साधु बनेगा उसी की मुक्ति है। महावीर के अनुसार बंधुओं और बहनों, मुक्ति का संबंध न देश से है न वेश से है। उनके अनुसार अगर संबंध है तो वो हमारी भावधारा के साथ है। ये देश नारियर अनारियर आर्य नहीं होते हैं, आर्यर अनारियर हमारा भाव होता है। अगर हमारी भावधारा शुद्ध पवित्र निर्मल नहीं है तो हम खुद अपने आप में अनार्य हो जाते हैं। और हमारी भावधारा ऋजु है, सरल है, धर्म से भावित है, अध्यात्म से भावित है, तो महावीर का दर्शन बिल्कुल असांप्रदायिक दर्शन है। सही ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाए, इतना साइंटिफिक है, इतना रिलेवेंट है, विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है। अगर हम लोगों ने बड़े बांधिया नहीं की होती, ये बड़ा बंदी राम उसके हो गए, कृष्ण उसके हो गए, महावीर इसके हो गए, अरे महापुरुष, महापुरुष तो सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, नदियों का पानी, वृक्ष के फल, ये सबके लिए होते हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। तो महावीर की वाणी के अनुसार तीसरा तत्व है काया उज्जया, भाषा उज्जया, भाव उज्जया। ये भाव सबसे महत्वपूर्ण है बंधुओं और बहनों, भावों को समझना जरूरी है। भावना से दिए हुए तो भूंगड़े भी बहनों तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन करा सकते, और भावना नहीं है तो भले ही स्वर्ण भस्म क्यों ना बहरा दो आप। जैन साधना पद्धति का सारा आधार स्तंभ फाउंडेशन अगर कुछ है तो वो है भाव। हालांकि भाव हमारे भीतर रहते हैं, बाहर तो प्रकट भाषा ही होती है। भाषा क्या है? भावों का लंगड़ाता सा अनुवाद। भाव अंतर जगत में निहित रहते हैं, व्यवहार में प्रकट भाषा होती है। पर भावों के आधार पर भाषा का भी निर्धारण होता है। प्रसंग था सगाई का, लड़के और लड़की का, दो परिवार मिले आपस में, तो परिचय किया, पूछा लड़की के बारे में, तो लड़की का पिता कहता है मैं अपनी लड़की की क्या तारीफ करूं आपके सामने, है ना, हमारी बच्ची तो मैं आपको क्या बताऊं, आज के समय में, आज के युग में घर में 25 मेहमान आ जाए, एक पैर पे खड़े खड़े सबकी रसोई बना दे। अब आज के जमाने में आप बताओ 25 मेहमान, 25 छोड़ करके 5 को निमंत्रण दे के आ जाए और होम मिनिस्ट्री का मूड ठीक ना हो ना, हाँ तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसी उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में परिचय दिया कि हमारी बिटिया तो जो है आज के जमाने में एक पैर पे खड़े खड़े 25 लोगों का भोजन बना रही। लड़के वाले भी बड़े प्रभावित हुए, बड़ी तारीफ सुनकर के उन्हें लगा कि, है ना। पूछा लड़के के बारे में, बोले जी मैं लड़के के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आज का जमाना सारी दुनिया के अंदर भाई भतीजावाद चलता है, कहीं भी चले जाओ, हमारा लड़का तो आज के युग में भी सबको एक नजर से देखता है, बताओ क्या मिलता है आजकल, है सब जगह पक्षपात है। फेरे का समय आया और लड़की और लड़के को लाया तो देखा तो लड़की एक टांग से लंगड़ी है और लड़का अलाउद्दीन खिलजी की तरह एक ही आंख है। अब शब्दों से तो गलत कुछ नहीं कहा था, कहा था कि एक पैर पे खड़े खड़े 25 लोगों का भोजन बना दे, झूठ बोला है क्या? नहीं बोला ना, कह रहे झूठ नहीं बोला, गलत नहीं बोला। और उन्होंने भी कहा कि हमारा बेटा तो सबको एक नजर से देखता है।
रिजल्ट आपने भी दे दिया, ना गलत नहीं बोला है। पर बंधुओं, इस परमात्मा के घर पे है ना, भावों के आधार पे, भाव भाव में। ये तो आप पूछे, कह रहे आप कुंदन जी को जानते हो क्या, एक तो कहेगा हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और एक हाँ मैं अच्छी तरह जानू रे। अब इस कहने कहने में अंतर आ गया पूरा, है ना। अच्छी तरह जानू मतलब सारे 36 गुणों का पता है मुझे, और एक काम मैं अच्छी तरह जानता हूं। शब्द तो उतने ही कहे, केवल भाव भंगिमा के आधार पर भी अर्थ बदल जाता है। तीर्थंकर भगवान महावीर कहते हैं, काया की रिजुता, भाषा की रिजुता, भावों की रिजुता अविषण मायना जो है। पांचवा चरित्र आता है, पांच प्रकार के चरित्र, सामाजिक चरित्र, छेदो प्रस्तात्मी चरित्र, परिहार विशुद्ध चरित्र, सूक्ष्म संप्रदाय चरित्र, यथाख्यात चरित्र, अविषण वर्णा जो है ना, जहां पर कोई कथनी करने की असमानता नहीं है। पर हम व्यवहारिक दुनिया के अंदर ये सारी तिकड़में चलती है, होशियारियां चलती है। एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से कहा कि भैया मैं कहीं बाहर जा रहा हूं परदेश, और ये जो लोहा है मेरे पास, फौलादी लोहा है कुछ, तो मैं तुम्हारे पास रख दूं, सुरक्षित रहेगा, वापस आऊंगा तब ले लूंगा। दुबई वाला कोई होता तो सोना कहता, पर हम तो लोहे वाले ही हैं। उसने कहा यार पूछने की क्या जरूरत है, मेरा गोदाम बहुत खाली पड़ा है, रख दे, उसमें क्या दिक्कत है, ये कोई पूछने की बात है क्या। उसने फौलादी लोहा रख दिया। मित्र काफी वर्षों के बाद लौटा प्रदेश से, लौटा इसने वापस कुछ बात की नहीं। एक दिन वो ही क्या पूछ बैठा, रहे मैंने लोहा रखा था यार तुम्हारे यहाँ। अरे यार मैं तो वो तो बताना ही भूल गया, मैं सोच रहा था तुम्हें बताऊं, कैसे बताऊं, और मुझे बहुत ही विचार आ रहा है। बोले हुआ क्या। अरे बोले गोदाम के अंदर चूहे उत्पन्न हो गए और सारे लोहे को चूहों ने खा लिया। मित्र ने देखा, अरे चूहे भी कोई लोहा खाते हैं क्या। पर ये समझदार था, इसने कहा अभी इसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दोस्ती और खत्म हुई, माल तो गया सो गया, और ये संबंध भी खत्म हो जाएगा। इसने कहा कि अब इससे टेक्निक से ही टकल करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा मसला आ जाता है ना, टेक्निक से ही टकल करेंगे इसको। थोड़े दिनों के बाद श्रावणी तीज का दिन आया, हमारे काफी लोग बैठे हैं यहाँ जोधपुर के, जयपुर के, श्रावणी तीज बड़ी जोरों से मनाई जाती है वहां पर, है ना। तो इसने कहा तुम्हारी भाभी ने आज कहा है तुम्हारी बिटिया को हमारे यहाँ भोजन पर भेजना, सावनी तीज है हमारे यहाँ खाना खाएगी, है ना। तो उसने कहा इसमें क्या बात है, तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी है। इसने घर पे कहा कि आज मेरे मित्र के घर जाएगी, वो तो थोड़ा बार त्योहार के दिन है, अच्छे से कपड़े वपड़े अच्छा गहना वहना पहना के, क्योंकि रिश्ते भी आते रहते हैं और बिटिया भी बड़ी हो गई है, चार लोगों के वहां बीच में जा रही है, तो उसको सजा संवार करके भेजा। संध्या तक वो वापस नहीं लौटी और घड़ी में 10 बजने को आ गए। उसने देखा अरे इतनी रात हो गई अभी तक आई नहीं, फोन किया। अरे बोले तुम बिटिया को अभी तक पहुंचाया नहीं। अरे बोले वो तो कब की पहुंची नहीं घर पे। बोले घर पे कहां पहुंची। अरे बोले कि हो मैं पता करता हूँ थोड़ी देर में। बताया उसने कि यार वो रास्ते में ना दो कुत्ते लड़ रहे थे और कुत्ते के बग जो है वो बिटिया को लेकर के चला गया। उसने कहा रे कोई बग बच्ची को ले जाता है क्या। तो कवि ने कहा ठग ठगारा पावणार मूछड़ बांध पगा, लो ने ले गया ऊंदरा, बाई ने ले गई बगा। बंधुओं, इस संसार में हम कितनी ही कलाबाजियां कर रहे हैं, कलाकारियां कर रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में जो मूल्यवान तत्व हैं वो तत्व हैं हमारी ऋजुता, हमारी सरलता, हमारी पवित्रता, और हमारी समग्र साधना का मूल ध्येय निचोड़ ये होना चाहिए कि हमारे भीतर
सरलता ऋजुता कहती है। ये जो बार बार ध्यान कराया जा रहा है ना, ये अभी तो प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान का मूल ध्येय क्या है? ध्यान का मूल ध्येय है चित्त की विशुद्धि। और जब चित्त की विशुद्धि होती है तब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की भूमिका में पहुंचता है। ये वक्रता जितनी है ना, बीच में घाटिए हैं। कई बार हमारे यहां ऐसे ऐसे पारंगत ध्यान में संत हैं जो पूर्व जन्म का भी आपको भान करा देते हैं। भगवान महावीर के शासन में तो महावीर स्वयं आध्यात्मिक महापुरुष थे ना, उससे बड़े वो मनोवैज्ञानिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। मनोवैज्ञानिक का हमारे सामने उदाहरण है, मन को कैसे पढ़ लेते थे। ओ एक ही रात में अस्थिर हो गया मेघ कुमार दीक्षित हुआ और जहां सोने के लिए स्थान मिला ऐसे दरवाजे के आसपास, और रात को आते जाते संतों के अंधेरा, वो जमाना ये उजाला तो था नहीं आपने दुबई वाला, है ना। पैर लगते रहे रात भर, त्रियामा हो गई सत्ययामा, रात लंबी क्योंकि ठोकरें लगती रही, नींद टूटती रही। उसने सोचा रहे अपन ने तो मुक्ति ली थी शांति के लिए, यहाँ साली नींद का ही लाले पड़ गए। गया सुबह कि गुरु जी को जाके दंड कमंडल सौंप दूंगा, तो मेरे बस का ये रोग है नहीं। और जाके खड़ा ही हुआ था, अभी बोला कुछ नहीं था, और भगवान महावीर कहते रहे मैं कुमार एक रात में अस्थिर हो गया था। याद कर उस हाथी के भोगो, जब पैर के नीचे खरगोश आ गया था, तूने ढाई दिन तक जो है पैर ऊपर उठाए रखा हाथी के भाव में होते हुए, और तू मनुष्य भाव में एक रात में स्थिर हो गया। ये क्या था बंधुओं? ये विधा रही है, मन पर्योग ज्ञान बोलते हैं इसके। यहां पर अपने यहां पांच प्रकार के ज्ञान है ना, तो एक ज्ञान है मन पर्योग ज्ञान। आजकल ये छोटे मोटे है ना, जो ये बागेश्वर बागेश्वर ये जितने भी, ये उसका ये सूंट का गांठिया समझ लो, है ना। अगर आप ध्यान को मतलब कोई उसकी अतल गहराइयों में उतरे ना, तो ये कोई चमत्कार नहीं, ये सब संभव है, आज भी संभव है। आप में वो सामर्थ्य आ सकता है, और थोड़ा बहुत तो सबके अंदर होता ही है जी, ये बता दूं आपको। हम क्या है कि उस इंट्यूशन को जगाना नहीं जानते हैं। इंट्यूशन पावर हर व्यक्ति के भीतर है, किसी में थोड़ा होता है किसी में ज्यादा होता है, और पुरुष की वनस्पत महिलाओं का इंट्यूशन अधिक जागृत होता है। बताओ एक महिला आंख से पहचान लेती है कि आपके भीतर में भाव क्या है, ये ताकत हमसे ज्यादा शक्ति महिलाओं की होती है। अनुभव किया होगा है कि नहीं, ये सच्चाई है ना। तो ये इंट्यूशन जो है ना, इस इंट्यूशन में जो बाधक तत्व है वो है वक्रता कपटता छल प्रपंच। जितने ज्यादा हम छल कपट प्रपंच ये करते हैं ना, उतने हम साधना से दूर होते जाते हैं, सिद्धि से दूर होते हैं। ये सिद्धियां नहीं, ये सब मेथड है मन प्रयोग ज्ञान को, मन को पढ़ लेना किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके जेब में क्या है बता देगा सर। अगर हाँ आज ऐसे अनेक हैं, आपके जेब में रखे हुए नोट का नंबर क्या है वो बता दे। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब सत्य है।